आज 26 जनवरी है और 92.7 बिग एफएम के सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां। 64 साल से हम अपनी एकता को सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसी जज्बे के साथ शुरू करते हैं कुछ पल जिंदगी के। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम। भाई कंफ्यूज मत होइए, मैंने मधुरिमा से थोड़ी देर के लिए माइक छीन लिया है क्योंकि आज बहुत खास दिन है और मैंने सोचा कि मैं अपनी भी थोड़ी सी बात कह जाऊं। गणतंत्र दिवस है और आज मधुरिमा एक बहुत ही खास मेहमान को आपके पास लेके आने वाली हैं, प्रसून जोशी, साथी लिरिसिस्ट, मेरे साथी लेखक, बहुत ही बढ़िया इंसान है। परिचय रहा है कई सालों से, जब मैं दिल्ली में रहता था कभी कभी यहाँ आता था तो हम लोग टकरा जाते थे। प्रसून की राइटिंग में जो उपमा होती हैं, जो बिंब होते हैं, जो छवियाँ, जो इमेजरी होती हैं, जो बहुत ही खूबसूरत और नए नए ढंग से वो अपना लेखन करते हैं, क्लीशेज में नहीं बंधते हैं। अक्सर राइटर्स के लिए बड़ा रिस्क होता है कि वो एक ही चीज़ को एक ही ढंग से कह पाते हैं और ढंग से नहीं कह पाते। प्रसून चूंकि एडवर्टाइजिंग के महायोद्धा भी हैं, बादशाह हैं वो, तो चीज़ों को अलग अलग से कहने की जो कला है, हुनर है, वो उनको बखूबी आता है। मेरे ख्याल से उनकी कलम जो है और उसका जादू देखने को मिले आने वाले साल में और आने वाले सालों में तो बड़ा मज़ा आएगा। मैं खुद बड़ा मुरीद हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनकी राइटिंग का। मेरी शुभकामनाएं प्रसून को, शुक्रिया मधुरिमा को कि वो इतने बढ़िया राइटर को हमारे सामने इतने इत्मीनान से और इतनी फुर्सत से इंटरव्यू करने के लिए ले आई हैं। चलिए अब मैं भाई भागता हूँ और आप लोग इन्जॉय करिए कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम। कुछ पन्ने जिंदगी के। जिस जज्बे के साथ हमारे स्वतंत्र भारत की लड़ाई को सुबह की रोशनी मिली थी, क्या वाकई आज हम उन तमाम लोगों का बलिदान, हम और हमारे देश के लोग सही तरीके से, इज्जत से, समझदारी से निभा रहे हैं? क्या हम खुद को एक प्रोग्रेसिव इंडिया कहने के हकदार हैं? कुछ ऐसे ही अलग बातों और जज्बातों से भरी है आज के पन्ने विद मधुरिमा निगम। 100 साल पूरे हुए हैं हिंदी फिल्मों के और इन 100 सालों में अनगिनत फिल्में बनी हैं देशभक्ति पर, सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल एजेंडास पर। कुछ ऐसे ही नामचीन फिल्मों से जुड़ा है एक नाम। इन्होंने केवल फिल्म्स ही नहीं पर बहुत सारे सोशल पॉलिटिकल इश्यूज पर लेख लिखे हैं और गीत भी लिखे हैं, जिनको कुछ लोगों ने प्यार से द एड गुरु ऑफ इंडिया का खिताब दिया है। लिरिसिस्ट, एडमैन, राइटर प्रसून जोशी। प्रसून जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। थैंक यू। प्रसून जी की जिंदगी के पन्नों में उत्तराखंड से जुड़े कुछ मीठी यादें हैं, उन याद भरे पन्नों को पलटेंगे कुछ ही देर में।